गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम अनंता दत्ता फ्रॉम भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग दुर्ग. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द सब्जेक्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर ऑफ बीटेक थर्ड ईयर एग्रीकल्चर. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन सी. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस सिंपली क्या होते हैं. यदि हम डिस्कस करें उस बारे में तो फंक्शंस क्या होती है और उसके जो भी हमारे टाइप्स थे, टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस थे, फंक्शंस हम इसलिए यूज करते थे कि हम जैसे एक बार एक फंक्शन नेम के अंदर कोई प्रोग्राम को डिफाइन कर देते हैं, कुछ लाइंस ऑफ कोड को, तो हम उसे जब कॉल करना चाहे तब कॉल कर सकते हैं. हमें बार बार वो लाइंस ऑफ कोड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती. बट यदि हम बात करें फंक्शंस के टाइप्स के बारे में, हमने उस दिन बात किया था दो टाइप्स के फंक्शंस थे. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे दो टाइप्स के फंक्शन थे. फर्स्ट था लाइब्रेरी फंक्शन एंड सेकेंड था यूजर डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन मीन्स जो फंक्शन लाइब्रेरी द्वारा डिफाइन की हुई है, जैसे कि मान लीजिए stdio.h है, ये एक हेडर फाइल है, इसके अंदर से हम लोग printf, scanf ये सारी चीजें यूज कर लेते हैं. तो हम क्या करते हैं कि उन सारी चीजों को यूज करते हैं, बट उसकी कोडिंग हमें नहीं पता. उसकी कोडिंग लाइब्रेरी में इनबिल्ट है, हम सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करते हैं और उसे यूज कर लेते हैं. तो वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमारी जो भी फंक्शंस रहती है हम उनको यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब यदि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें, यूजर डिफाइंड फंक्शन में ये होते हैं जो यूजर बनाता है, जो यूजर के बिल्ट इन माने जो यूजर अपने प्रोग्रामिंग टाइम पे जो फंक्शन डिफाइन करता है और उसे यूज करता है, वो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर आते हैं. सबसे पहले यदि हम बात करें कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, तो अ फंक्शन इज कॉल्ड A function in C can be called either with arguments or without arguments. ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि C में जब हम functions को call करते हैं तो हम with argument और without argument दोनों से call कर सकते हैं. यदि हम कहीं पे value देते हैं तो वो with argument रहती है, यदि हम बिना value दिए ही functions को call करते हैं तो वो without argument रहती है. This functions make और may not return values to the calling function. ये function value return कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है. ठीक है, all C functions can be either with argument or without argument in C program. जितने भी हमारे function है वो argument के साथ भी रह सकते हैं और बिना argument के भी रह सकते हैं. And वो return कर भी सकते हैं कोई values को यदि हमने डाला हो, और यदि हमने कुछ return नहीं डाला हो तो वो values return नहीं करेंगे. ठीक है, Hence the function prototype of a function in C is below. जैसे कि आप यहाँ पे आप देखिए एक function prototype आपका यहाँ पे है. इसमें आप देख सकते हैं function prototype में जो आपका int है यहाँ पे, int heading void. ठीक है, जो ये int है आपका return type है. यदि यहाँ पे void रहा तो यहाँ पे return type नहीं रहेगा. और दूसरी बात ये है यहाँ पे कि void के बाद means जो हमारा main function है उसमें semicolon कभी नहीं आता. ठीक है, main function में semicolon कभी नहीं आता. ये जो void हमने दिया हुआ है इसे हम argument बोलते हैं. ठीक है, यदि हम यहाँ पे argument देंगे तो क्या होगा, value argument होगा with argument. और यदि हम इसे blank लगते हैं, void हटा देते हैं, यहाँ को हम blank रखते हैं, तो वो हो जाएगा without argument. और ये आपका function name है. आप यहाँ पे जो भी function name देना चाहते हैं आप वो यहाँ पे दे सकते हैं. ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं हेडर की. ये हमारा हेडर रहता है, जो भी हमारा फंक्शन नेम रहता है वो हेडर रहता है, और उसके अंदर जो फंक्शन के स्टेटमेंट आते हैं उसे हम बॉडी बोलते हैं. वो बॉडी पार्ट रहता है हमारा जिसमें कि हमारे फंक्शन के स्टेटमेंट्स आते हैं. ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी 4 types of function है. यहाँ पे आप देख लीजिए 4 types of यहाँ पे आपके फंक्शन दिए हुए हैं. कौन कौन से टाइप्स के आपके फंक्शन है इसको यदि हमको देखना है तो हमारे पास 4 type के फंक्शन है. फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, एंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू. तो ये आपके पास यहाँ पे देखिए 4 type के आपके पास
फंक्शंस है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जिसमें कि देखिए जैसे फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू में हमने void लिया हुआ है. जैसे कि हमने पढ़ा था कि void कभी भी क्या करता है कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है, तो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही तो नो रिटर्न वैल्यू हो गया. और यहाँ पे हमने कुछ दिया नहीं है ब्रैकेट में, जो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है इसके अंदर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया हुआ है, इसलिए जो ये हमारा टाइप है ये क्या है, हमारा फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड अ नो रिटर्न वैल्यू. सेकेंड हमारा है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट के अंदर इंट दिया हुआ है, मीन्स वैल्यू तो आपकी रिटर्न, मैंने कि आपने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है और वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि क्या है यहाँ पे आपका void है, void कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता. तो यहाँ पे क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट तो है बट यहाँ पे कोई भी आपकी वैल्यू नहीं है. देन आता है थर्ड फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू. यहाँ पे आप देखिए कि आर्ग्यूमेंट नहीं है बट आपकी वैल्यू रिटर्न करेगा. वैल्यू क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका इंट है, इंट है तो क्या करेगा वो वैल्यू रिटर्न करेगा. ठीक है, इंट है तो आपकी वो वैल्यू रिटर्न करेगा बट यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है. और हमारा फोर्थ वन है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू. तो फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू में यदि हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट है तो वो वैल्यू भी रिटर्न करेगा और यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट भी है. ठीक है, तो ये चारों के टाइप्स के यही मतलब होते हैं कि किसमें आर्ग्यूमेंट है और किसमें आर्ग्यूमेंट नहीं है, कौन सा जो है वैल्यू रिटर्न कर रहा है फंक्शन और कौन सा वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा. तो जब यूजर डिफाइन करता है कोई भी फंक्शन, जब यूजर डिफाइन करेगा प्रोग्राम में, तो उसके पास ये चार टाइप्स है, वो इन चार टाइप्स के थ्रू कोई से भी टाइप को यूज करके अपना जो है फंक्शन क्रिएट कर सकता है. ठीक है, तो हम ये चारों फंक्शंस के एग्जांपल देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे एग्जांपल्स यहाँ पे रन होते हैं. ठीक है, सबसे पहले आप देखिए फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू. ठीक है, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू में वेन अ फंक्शन हैज नो आर्ग्यूमेंट, इट डज नॉट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन. जब फंक्शन के पास कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं रहेगा तो वो कुछ भी जो वैल्यू है वो रिटर्न, कोई भी उसके कॉलिंग फंक्शन में कोई भी डेटा रिसीव नहीं होगा. ठीक है, जब उसके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं है तो वो कोई डेटा रिसीव कर ही नहीं सकता कॉलिंग फंक्शन से. ठीक है, सिमिलरली वेन इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू, जब वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता तो कॉलिंग फंक्शन डज नॉट रिसीव एनी डेटा फ्रॉम फंक्शन, फंक्शन से भी वो कोई भी डेटा नहीं रिसीव करेगा. ठीक है, सच फंक्शंस कैन आइदर बी यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन. अब जब वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट भी नहीं है उसमें और वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो ऐसे टाइप के फंक्शन को हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए यूज कर सकते हैं और ये यूजर इनपुट से कम्प्लीटली डिपेंड रहते हैं. ठीक है, यूजर इनपुट में ही ये डिपेंड रहते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे देखो किसका सिंटेक्स आप देख सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन में void फंक्शन आ रहा है. फंक्शन कॉल करते समय हम सिर्फ फंक्शन को लेंगे. फंक्शन डेफिनेशन की हम बात करें तो देखिए void आपका फंक्शन, फंक्शन के बाद आपका कभी भी सेमी कॉलन नहीं रहेगा. ठीक है, फंक्शन के बाद आपका कभी भी सेमी कॉलन नहीं रहेगा और ये आपकी फंक्शन की बॉडी हो गई है. ठीक है, अब आप इसका एक आप यहाँ पे एक इसका एग्जांपल देखिए. हमने यहाँ पे void वैल्यू को कॉल किया हुआ है, void मीन हमने यहाँ पे लिया हुआ है और जो भी वैल्यू है वो हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं. अब हमने जो यहाँ पे void वैल्यू को कॉल किया हुआ है उस void वैल्यू के अंदर हम एक हम प्रोग्राम या छोटा सा स्टेटमेंट दे रहे हैं. यहाँ पे आप देखिए ईयर हमने 1, पीरियड 5, अमाउंट इतना और इंटरेस्ट रेट हमने इतना दिया हुआ है. उसके बाद हमने यहाँ पे फ्लोट सम किया हुआ है. ठीक है, तो हमने क्या किया है इसके अंदर एक कैलकुलेट कर रहे हैं हम इंटरेस्ट. तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया हुआ है, void वैल्यू, void को हमने कॉल किया हुआ है और यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या करेगा कि टोटल अमाउंट जो है सिर्फ उसको यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा. ये देखिए टोटल अमाउंट 5000 रुपीज इसने प्रिंट कर दिया. यहाँ पे क्या हुई, आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है और कोई भी वैल्यू आपकी रिटर्न नहीं हो रही है क्योंकि ये void मेन है,
यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू है, तो इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं हो रही है और कोई भी आपका आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे नहीं है. तो ये आपका हुआ जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम आपका नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू में. अब देखिए आप सेकेंड टाइप, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. ठीक है, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. तो अब फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट मैंने यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट रहेगा बट ये वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा. देखिए जैसे कि इसका आपका सिंटेक्स, आप सिंटेक्स देख सकते हैं, वाइट फंक्शन इंट, यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट आ गया. ठीक है, आपने यहाँ पे देखा आपका आर्ग्यूमेंट आ गया है. अब क्या होगा यहाँ पे, फंक्शन कॉल फंक्शन एक्स. ठीक है, यहाँ पे आपका फंक्शन है एक्स और ये आपका सिंटेक्स है जिसमें कि आप क्या ले रहे हैं, void function int x और ये आपका स्टेटमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ये कोडिंग है आपकी एक C कोड फॉर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे आपके पास आर्ग्यूमेंट है बट आपकी रिटर्न वैल्यू यहाँ पे नहीं है. तो आप यहाँ पे देखिए void function में int आपका आ रहा है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं. उसके बाद आपने देखिए यहाँ int main में आपने क्या किया हुआ है कि int a इक्वल टू 20 लिया है अपने अपन ने. फिर एरे हमने 5 लिया है, 20 20 30 40 50. फिर हमने एक कैरेक्टर लिया हुआ है 30 का, स्ट्रिंग का कैरेक्टर ग्रीक फॉर ग्रीक. ठीक है, तो हमने स्ट्रिंग लिया हुआ है उसके बाद, और उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शंस यूज कर रहे हैं. ठीक है, अब void फंक्शन के अंदर हमने एक छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है, void फंक्शन जो हमारा है फंक्शन उसके बॉडी में int i और हम प्रिंट एफ कर रहे हैं वैल्यू ऑफ a और यहाँ पे हम फॉर लूप ओपन किया हुआ है जिसमें कि हम i को 5 तक के लूप को हम चला रहे हैं और यहाँ पे वैल्यू ऑफ एरे जो है वो प्रिंट होते जाएगा आपका 5 तक के. जैसे ही आपका वैल्यू 6 होगा आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और क्या होगा कि यहाँ पे आपका वैल्यू फॉल्स हो जाएगा और उसके बाद लूप से बाहर आ जाएगा और वो प्रिंट कर देगा स्ट्रिंग के वैल्यू को. अब आप यहाँ पे आउटपुट देखिए, वैल्यू ऑफ ए इज 20. हमने सबसे पहले क्या प्रिंट किया, वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए आपका 20 आ गया. फिर हमने एरे प्रिंट कर रहे थे. ठीक है, वैल्यू ऑफ एरे परसेंट डी, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये आपका परसेंट डी इज, मैं वैल्यू ऑफ 0 में आपकी क्या थी, 0 इंडेक्स में आपका 10 था, तो आपका क्या प्रिंट हो गया 10. फिर आपका यहाँ पे लूप एक बार इंक्रीज होगा 1 होगा, तो 1 में आपकी कौन सी वैल्यू थी 20, 2 में कौन सी वैल्यू थी 30, 3 में कौन सी वैल्यू थी 40 और 4 में 50. तो ऐसे लूप आपका यहाँ पे 10 20 30 40 50 तक के आपका लूप चलेगा. फिर जैसे ही यहाँ पे क्या होगा कि आपका फॉर लूप जो है 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. देन प्रिंट वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज, वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है आपकी, यहाँ पे आप देखिए वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग आपकी 30 है ग्रीक फॉर ग्रीक्स, तो वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा ग्रीक फॉर ग्रीक. तो ये आपका क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एक सिंपल सा क्या दे दिया, void फंक्शन यहाँ पे आपने दे दिया. और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इस प्रोग्राम में यदि और कहीं भी आपको ये फंक्शन यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं. सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड जो ये लाइन्स ऑफ कोड है इसे आप एक बार ही लिखेंगे और यहाँ पे आप ये void फंक्शन आप प्रोग्राम में कितने भी जगह यूज कर सकते हैं. तो ये आपका था फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू. ठीक है, अब आप देखिए थर्ड आएगा, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू, मैंने फंक्शन में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा बट वो वैल्यू रिटर्न करेगा. देयर कुड बी ओकेशन व्हेन वी मे नीड टू डिजाइन फंक्शन दैट मे नॉट टेक एनी आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न अ वैल्यू टू अ कॉलिंग फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने कुछ ओकेशन ऐसे रहते हैं जबकि हमें डिजाइन करने रहते हैं फंक्शन जो कि कोई भी आर्ग्यूमेंट ना ले बट रिटर्न कर दे वैल्यू, जब हम फंक्शन को कॉल करें तो कोई वैल्यू वो रिटर्न कर ले. एग्जाम्पल फॉर गेट केयर फंक्शन इज हैज नो पैरामीटर्स बट इट रिटर्न्स अ इंटीजर एंड इंटीजर टाइप डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स अ कैरेक्टर. ठीक है, यहाँ पे आप किसका एग्जाम्पल देखेंगे, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू.
तो आप यहाँ पे देखिए फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आपके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, आपके पास आप यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं देखेंगे, आप यहाँ पे सिंपली क्या देखेंगे, एक सिंटेक्स देखेंगे जिसमें कि आप देखिए यहाँ पे इंट फंक्शन दिया हुआ है, इसके अंदर ब्रैकेट आपका जो है एम्प्टी है, मीन्स यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है आपका। फंक्शन को जब आपको कॉल करना रहेगा तो आप सिंपली फंक्शन, और फंक्शन को आप ऐसे ही कॉल करेंगे, यहाँ पे जो भी नाम दिए रहेंगे उसी नाम से आपका फंक्शन कॉल होगा। देन यहाँ पे आता है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन में आप देखिए कि हमारा इंट फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर हमने स्टेटमेंट और रिटर्न हमने किया हुआ है एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपका इंट फंक्शन हो गया और ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रिटर्न हो गया एक्स, ठीक है, यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट देंगे इंट है, इंट है करके वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा वैल्यू को। यदि यहाँ पे वॉइड रहता तो वॉइड हमारा एम्प्टी रहता है, वो कभी भी वॉइड जो है कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, सिर्फ जो हमारा इंट है, इंट ही हमारा है, मैंने इंट या फिर और कोई डेटा टाइप यदि हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो हमारा यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक कोडिंग देखिए, आपका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं जिसमें कि आर्ग्यूमेंट नहीं है बट वो वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए हमने मैक्स हेडर फाइल ली हुई है और stdio.h लिया हुआ है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, स्टम सम से हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है और हमने यहाँ पे इंट मेन लिया हुआ है, इंट मेन जो है हमारा वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखिए इंट नम, ठीक है, हमने यहाँ पे इंट नम लिया हुआ है, नम में हम क्या कर रहे हैं, सम की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। प्रिंट में आप देखिए सम ऑफ टू गिवन वैल्यूज, सम ऑफ टू गिवन वैल्यूज इक्वल टू परसेंट डी और यहाँ पे आपका नम, तो ये नम में क्या प्रिंट होगा, आपका सम की वैल्यू जो है वो नम में प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए हमने जो यहाँ पे इंट सम कॉल किया हुआ था, उस इंट सम के अंदर हमने क्या बॉडी लिखा हुआ है, इंट ए हमने 10 50 दिया हुआ है और बी हमने 80 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे सम कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो हमने यहाँ पे ए का स्क्वायर रूट और बी का स्क्वायर रूट का सम कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सम ऑफ टू गिवन वैल्यूज इज 16, ठीक है। तो आप जब इस चीज का सम करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, वैल्यू यहाँ पे वो रिटर्न कर रहा है बट यहाँ पे हमारी कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो वैल्यू रिटर्न कर रहा है। देन ये हो गया आपका थर्ड, फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू। अब हम देखते हैं फोर्थ टॉपिक, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो ये फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू में क्या होगा कि आपके पास आर्ग्यूमेंट भी रहेगी, ठीक है, आपके पास आर्ग्यूमेंट भी रहेगा और आपका वैल्यू रिटर्न करना है, तो आपका जो वैल्यू रिटर्न करना है तो यहाँ पे वैल्यू भी रिटर्न होगी और आपका आर्ग्यूमेंट भी यहाँ पे आपका रहेगा। जैसे कि आप देखिए इसके सिंटेक्स में आप देख सकते हैं कि हमने क्या लिया हुआ है, इंट फंक्शन में हमने इंट लिया हुआ है, देन हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, फंक्शन को हम जैसे भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका फंक्शन नेम रहेगा उससे हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे देखिए फंक्शन डेफिनेशन के अंदर हम इंट फंक्शन, इंट एक्स और फंक्शन की ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी फंक्शन की बॉडी है, स्टेटमेंट रिटर्न एक्स। तो अब आप देखिए कोड फॉर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू, कोड फॉर फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू में आप देखिए हैश इंक्लूड stdio.h हमने लिया हुआ है और हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, string.h, ये क्या है आपका स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है और ये आपका string.h हेडर फाइल है, ये सारी हमने लाइब्रेरी फंक्शंस में डिस्कस की हुई थी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि हम क्या ले रहे हैं, इंट फंक्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट भी है, ठीक है, यहाँ पे आपने आर्ग्यूमेंट भी लिया हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट मेन कर रहे हैं, इंट मेन कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू भी रिटर्न करेगा ये, ठीक है, वॉइड मेन में वैल्यू रिटर्न नहीं करता है बट जो हमारा इंट मेन है उसमें वो वैल्यू रिटर्न करेगा। हमने यहाँ पे इंट आई लिया हुआ है और ए में हमने 20 स्टोर किया हुआ है। अब आप देखिए हम यहाँ पे एरे ले रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50 का हमने एरे लिया हुआ है और ए में हम फंक्शन ए एंड ट्रेस ऑफ
एरे जीरो, ठीक है, ए क्या है आपका 20 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इक्वल टू फंक्शन, ए में आपकी क्या वैल्यू है 20 अभी, एंड एड्रेस ऑफ जीरो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, तो आपका क्या प्रिंट होगा 20 और 10 प्रिंट होगा फर्स्ट टाइम पे, यहाँ पे ए में आपका क्या स्टोर होगा 20 और 10। देन प्रिंट एफ में आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ ए इज परसेंट डी, अब आपकी ए की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे, जो भी आपकी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। देन यहाँ पे आपका फॉर लूप लगा हुआ है, फॉर लूप आपका 5 times रन करेगा, देन जैसे ही आपकी ये 6 हो जाएगा, आई की वैल्यू अभी 0 है, वो 5 पर रन करेगा लूप में, जैसे ही आपकी वैल्यू 6 हो जाएगी तो आपका जो ये फॉल्स हो जाएगा कंडीशन और आपका लूप से बाहर आ जाएगा। देन इंट फंक्शन, इंट ए है आपका और इंट एरे है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि इंट आई है, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू में आप देखिए ए प्लस आप 20 करा रहे हैं, ठीक है, एरे ऑफ 0+50 और एरे ऑफ 1+50, तो आप क्या कर रहे हैं सब एरे में 50 की वैल्यू यहाँ पे प्रेस करा रहे हैं इंट फंक्शन में, ठीक है, जो आपने यहाँ पे लिया हुआ था इंट फंक्शन, इस फंक्शन में आप सब में एरे की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, तो अब आप आउटपुट देखिए आपका आउटपुट क्या हुआ कि ए की वैल्यू आपकी क्या हो गई 40। अब आप देखिए कि जो भी जितने भी हमारे वैल्यूज थे वो हमारे लाइन से प्रिंट हो गए, ठीक है, तो ये आपके चार टाइप्स थे बेसिकली, जो आपके चार टाइप्स थे सी के। आप देख सकते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन में हमारे पास चार टाइप्स थे, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट बट अ रिटर्न वैल्यू, एंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। तो ये आपके पास चार टाइप थे जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। अब हम एक तो छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। आपने नेस्टिंग ऑफ इफ पढ़ा था जिसके अंदर क्या था, इफ के अंदर इफ था आपका, ठीक है, तो हम वो नेस्टिंग ऑफ इफ था हमारा। अब नेस्टिंग ऑफ फंक्शन की यदि हम बात करें तो नेस्टिंग ऑफ फंक्शन में फंक्शन के अंदर आपका फंक्शन रहेगा तो वो आपका होगा नेस्टिंग ऑफ फंक्शन, ठीक है, एक फंक्शन के अंदर आप दूसरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं, ये जो सी की जो लैंग्वेज है ये आपको अलाउ करता है नेस्टिंग ऑफ फंक्शन कि आप एक फंक्शन के ही अंदर दूसरा फंक्शन आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कई बार यहाँ के केस में आपको केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो इनफाइनाइट नेस्टिंग के लूप में फंस जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए इसका सिंटैक्स, आपके पास फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आपके पास क्या है, यहाँ पे फंक्शन वन, ठीक है, माने फंक्शन वन की बॉडी है, उसी के अंदर आप फंक्शन टू यूज कर सकते हो, यहाँ पे आपकी फंक्शन टू की बॉडी मीन्स फंक्शन वन की बॉडी देन फंक्शन टू की बॉडी, तो आप ऐसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन यूज कर सकते हैं। बट फंक्शन के अंदर फंक्शन जो हम नेस्टिंग ऑफ फंक्शन यूज कर रहे थे इस टाइम पे आपको केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि कई बार ये इनफाइनाइट नेस्टिंग या इनफाइनाइट फंक्शन के लूप में फंस जाता है, ठीक है। इन इफ फंक्शन टू ऑल्सो हैज अ कॉल फॉर फंक्शन वन इनसाइड इन देन इन केस इट विल लीड टू अन इनफाइनाइट नेस्टिंग। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे फंक्शन वन दिया हुआ है देन फंक्शन वन की बॉडी दी हुई है देन आप यदि फंक्शन टू यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी क्या आएगी फंक्शन टू की बॉडी। इन केस आपने फंक्शन वन की कॉपी एज इट इज यहाँ पे लिख दिया है तो ये क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट, जो मैंने बात की कि इनफाइनाइट के लूप में ये फंस जाता है तो वो ऐसे ही इनफाइनाइट के लूप में फंस जाएगा, ओके। और कभी भी प्रोग्राम क्या होगा टर्मिनेट नहीं होगा, प्रोग्राम कभी भी एंड नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका था नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम रिकर्शन एंड फंक्शन कॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फंक्शन कॉल्स भी हमारा एक मेन टॉपिक है और उसके बाद फिर हम रिकर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।